नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 रुपीज महात्मा बसवेश्वर कॉइन के बारे में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी कॉइन का जो कि रियल वैल्यू है, अभी का जो मार्केट प्राइस है, उसके बारे में हम लोग आपके सामने जरूर इस वीडियो में आज लेके आए हैं। और दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग हमारा चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे पुराने और जो कि कमोडिटी कॉइन है, इस तरह बहुत सारे कॉइन के अपडेट हम देते हैं जो कि आज के समय में इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी जो कॉइन है, इसी कॉइन का बारे में जानने से पहले और इसी कॉइन का वैल्यू जानने से पहले, चलिए ये कॉइन का आज मतलब इस कॉइन का बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है जो कि नॉलेज के लिए। तो चलिए जानते हैं इसी कॉइन का बारे में थोड़ा सा। दोस्तों ये जो कॉइन है ये इंडिया में ही इशू हुआ था, यानी कि यार इसका जो ईश्वर है इंडिया है। और पीरियड की बात करें, ये रिपब्लिक पीरियड में बनाया गया था ये कॉइन में। टाइप इसका सर्कुलेटिंग कमोडिटी कॉइन है। और ईयर की बात करें दोस्तों 2006 में ये डाला गया था। वैल्यू ये दोस्तों 5 रुपीज़ है, यानी कि 5 इंडियन रुपीज़ है। करेंसी की दोस्तों बात करें तो ये रुपी है, यानी कि डेसिमलाइज्ड है। और कंपोजिशन की बात करें, यानी कि किस धातु से ये बनाया गया था, दोस्तों कंपोजिशन इसका है स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील में ये बनाया गया था। दोस्तों ध्यान दे के सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, और ये आपके काम आगे जाके आ सकता है। और वजन या वेट की बात करें तो 6 ग्राम है। डायमीटर की बात करें दोस्तों, डायमीटर इसका 2 मिलीमीटर है, ठीक है, सॉरी डायमीटर इसका 23 मिलीमीटर है। और थिकनेस की बात करें 2 मिलीमीटर है इसका जो थिकनेस। और शेप दोस्तों, इसका जो शेप है वो राउंड शेप वाला, शायद आप लोग देख रहे हैं ये राउंड शेप वाला कॉइन है। और ओरिएंटेशन की बात करें तो ये मेटल अलाइनमेंट है। नंबर इसका दिया गया है और रेफरेंस भी दिया गया है, यानी कि नंबर NH27293 और रेफरेंस भी दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। ये रहा दोस्तों ये कॉइन का बारे में पूरा डिटेल्स। चलिए देखते हैं इसका जो डिज़ाइन कैसा हुआ है, आगे वाला और पीछे वाला। हम पहले हेड साइड पे जाते हैं और देखते हैं इसका डिज़ाइन। दोस्तों देखिए यहाँ पे अशोक लायन कैपिटल है, नीचे देखिए लिखा गया है डिनोमिनेशन बिलो सत्यमेव जयते, और जो कि 5 लिखा गया है सत्यमेव जयते के नीचे। और दोस्तों बात करें तो राइट साइड पर देखिए इंग्लिश पर लिखा गया है इंडिया और रुपी, जो कि राइट साइड पर, और हिंदी पे लिखा गया है लेफ्ट साइड को। अभी देखिए राइट साइड देख लिए, अभी लेफ्ट साइड देखिए भारत और रुपये, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा जो फ्रंट साइड है, इसी तरह का डिजाइन है इसी कॉइन का जो फ्रंट साइड है। अब हम चलते हैं इसका जो बैक साइड थोड़ा सा देख लेते हैं। बैक साइड की दोस्तों बात करें तो दोस्तों देखिए इसका बैक साइड यानी कि रिवर्स साइड, तो यहाँ पर देखिए बस्ट ऑफ महात्मा बसवेश्वर फेसिंग 1/4 लेफ्ट, यानी कि महात्मा बसवेश्वर लेफ्ट की ओर 1/4 डिरेक्शन में, यानी कि उनका मुंह है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लेटरिंग में लिखा गया है, हिंदी में देखिए लिखा गया है महात्मा बसवेश्वर, और इंग्लिश में ऊपर में लिखा गया है महात्मा बसवेश्वर, और लिखा गया है देखिए हिंदी में नीचे बसवेश्वर, जो कि उनके नीचे लिखा गया है भक्ति कायक दासह और समता, ये लिखा गया है ये चारों पूरा का पूरा। ये दोस्तों पीछे वाला साइड का डिजाइन है। अब कमोरेटिव इशू की बात करें दोस्तों, ये महात्मा बसवेश्वर को लेकर ये डाला गया था, ये कॉइन पूरा का पूरा कॉइन ये डाला गया था। और आज इसका हम जो एड्ज देखेंगे, यानी कि उसका साइड वाला यानी पूरा डिजाइन देखेंगे एड्ज की बात करें, तो चलिए जानते हैं इसका एड्ज क्या है। दोस्तों एड्ज की बात करें तो ये सिक्योरिटी एड्ज वाला कॉइन है, यानी कि इसका जो सिक्योरिटी एड्ज आप लोग शायद देख रहे होंगे, मैंने फोटो भी दिया मतलब दे दिया हूँ, पूरा का पूरा एड्ज है। और दोस्तों आपको बता दूँ ये कितने मिंट में डाला गया था, ये दोस्तों सिर्फ सिर्फ मुंबई मिंट और बॉम्बे मिंट, जो कि मुंबई जो है वो बॉम्बे है, तो मुंबई और बॉम्बे मिंट जो कि में डाला गया था, जो कि और इंडिया, ठीक है, ये बॉम्बे मिंट में डाला गया था। मिंट की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें बॉम्बे मिंट में बात मतलब डाला गया था,
और ये बॉम्बे मिंट का वैल्यू कितना है आज के समय में, इसका जो रियल वैल्यू है चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ये जो इसका रियल वैल्यू है आप लोग देख रहे हैं, बॉम्बे मिंट कैसे पहचानोगे, यानी कि एक डायमंड मिंट मार्क होगा और स्मॉल डायमंड मिंट मार्क और एक स्मॉल डॉट होगा, तो वही है बॉम्बे मिंट वाला का है। आप लोगों को बता दूं 2006 का, आप लोग शायद देख रहे होंगे 2006 का जो बॉम्बे मिंट वाला महात्मा बसवेश्वर कैन, मतलब आज के समय में उसका रियल प्राइस है दोस्तों 50 रुपये, यानी कि ये उतना रेयर नहीं कैन नहीं है, ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। लोग लाखों करोड़ों पे बात करते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ही मतलब गलत बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने जैसा काम लोग करते हैं, जो कि उसका वैल्यू उल्टा पुल्टा करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर आप फीस लेते हो? नहीं भाई, मैं पर्सनली कलेक्शन करता हूँ, मैं फीस वगैरह नहीं लेता हूँ, जो फीस लेते हैं ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।